रेडियो कश्मीर श्रीनगर फोन टाइम गोजरी में खबर सुनो। पुलवामा एक 5 साल बच्ची का कत्ल ते असमत रेजी मामला पर मुलकमा उभरे गम गुस्सा के बीच वजीर आला महबूब मुफ्ती ने कल श्रीनगर में अपनी पार्टी का तमाम सीनियर लीडर अहदेदार ते मेम्बरान कानसाजिया की मीटिंग तलब की है, जिसमें रियासत की मौजूदा सूरत हाल ते पार्टी का आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कत्ल ते अबू रेजी का इस मामला में अवाम को मजहबी बुनियादों पर उकसाण में रियासती काबीना में शामिल दो बीजेपी वजरा का मुबैना रोल न लेकर मखलूत हुकूमत में शामिल पीडीपी ते बीजेपी के बचकार तनाव पैदा हो गया है। इसी दौरान जुलम शुरू किया बच्ची के नाम मुस्तफा ले चले थे, ठीक है ना, नहीं चले थे मीता ना ही चलना पड़ेगा और क्या करा। मैं इस तरह चलूंगा, हम बड़ो आदमी कमजोर आदमी चल सकते हैं, माल ना सट मत सका और चलना तो पड़ेगा। तो जरूरी जिचर तो है, देचर माल भी है, घोड़ा भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, हम भी है, सारा कोई है। जिसमें कहते हो ना हो तो उसमें कई चीज भी नहीं देना, कोई गले खत्म। बस मैं हूँ, अगर ना हो तो यो पेश हो खत्म हो जाएगा। हम ऊपर तो बिल्कुल नहीं चल सकते, सो कुफर की उसके नाल ठेव करके तो वहां उते खत्म कर सी, मुसीबत बन गई। हां मुसीबत बन गई, लड़की के ऊपर जा शहर के बीच हमलो किस्म किस्म का खतरा, जंगल के बीच बाड़ी लड़कियां ना कितनो बड़ो मारो खतरो, मारे नाल कौन है बॉडीगार्ड कौन है? अच्छा कोई बॉडीगार्ड नहीं, बाज रब दे तो हम लुका चला तो हमने लुका जंगल में मारी मां बेड़ा के नाल बेइज्जती बेहुरमती शुरू हो गई तो फिर मारो के चारो, फिर बड़ा जुल्म होया लगा। तो हम उस बड़ा जुल्म होया लगा, चीज देख के आया भाई, हम ऊपर तो बिल्कुल नहीं चल सकते। हमने यो इतनो पैसों खर्च करके गड्डियों के पे जानो पड़ेगी, जान बचानी पड़ी, मसाल है एक एक गड्डी को 20,000 रुपयो देनो है, उसमें कोई माल मर जाएगा, कोई फिर आगे ले लावेगा, फिर भी मुसीबत है ना, मुसीबत है। पेशो मुका के तुम पढ़ाई देखा सारा, कोई भी माल मवेशी ने मुका छोड़ो सारा ना, माल देखे करनो पढ़ाई दे करनो माल दे करनो ना, माल ना वे दे मी थारी या रोजी है थारी नी कड़ा मुलाजम लाग गया था मजा अजा ने तम पढ़ाई थारी पढ़ाई कर के पतो लगे। हूं मुस्तफा ने पूछ के होयो जो टाइम लाश हो वो इनकार हो गयो, वो के हूं भेड़ बकरियां के नाल नहीं चलते, फिर सुलेमान तने जानो पियो मो छोड़ पढ़ाई ना दफे कर, बकवास ना कर देना कोई दे चल माल के ना, हूं नहीं चलतो ना बाप नहीं चल सकते, हूं चलतो नहीं कमजोर आदमी हूं तोर से, हम के पढ़ियो, हमने को पढ़ियो, हम सादा रिया तो भेड़ बकरी चारी, भेड़ बकरी चारी दा अपना नफज को बंदोबस्त बनायो। वो पहले जमानो नहीं रियो, वो जंगल में चले थी बकरी तो वो तार भी लागी, हुन की हाल चलंगा माल को पेशो छोड़नो तो तुम ने नहीं माल सामने नहीं सामने इन करो अपनी मर्जी। हेलो हेलो, मैं मुस्तफा ना भी क्यों गए, मेरा माम भाम बकरियां ना ले चलो, भेड़ ना ले चलो। हेलो
मैं मुस्तफा ना मैं क्यों मेरी बकरियां ना ले चलो बेटा ना ले चलो वो मैंने मुकर हो गयो सुलेमान ना क्यों होता वो क्या हूँ चलता ही नहीं उसने भी तेरे दी गाल सेक ले क्यों भी नहीं चलता तो हूँ क्या करूँ ना बेच छुड़ू भी ना क्या क्या करें इनको बेचता नहीं जमीन के चारों ये जा चलता नहीं ना मुस्तफा ले चले ना सुलेमान ले चले ये और सुलेमान के हूँ पढ़ूंगे ना हूँ बकरियों के नाल चले ठीक है ठीक हूँ मैं ना समझाऊंगा हद तक समझा के कोशिश करूंगा ना नाल ले चलेंगा माल ना मैं ले चलेंगा क्यों पारू बाहर नहीं छोड़ सकता ना ले चलेंगा बाबा ने क्यों थोड़ा माल के नाल ली ना हूँ नहीं रे तुम्हारे बाबा बुजुर्ग के माल ना हिरिया करूँ तो क्या करूँ और के तुम बड़ा भाई था ना तुम ने इतनी थी माल गल सुन रे गल सुन मेरी सुन बाकी चार नहीं मेरी गल सुन सुलेमान ओ सुलेमान आ जी वैसे रोटी ले चल वो चल गयो पीछे मार ना ना होनी तो दो कब पर मुड़ो मुड़िए मैं मत नहीं सोच रहा चल फुटाने वास्ते कुछ जखीरो बना में मैंने आज ख्वाब में फूल देखे बागों में बागों में बहुत सारे फूल हो गए मैं ख्वाब में देखता है पता नहीं ये क्या मामला है बार बार ये फूल भाई
हम तेरे वो हमने आखिरी हम ए थी तेरे को पुतो निको तो तेरे वो हम ए थी हमने आखिरी जियो हमने पाड़ेगो जियो हमने सामेगो ते तेरी भी यह गल हुई जमी मार ना के करा इस ना जी ने को बेच सारी है ना दूजो निखड़ गई और वानी बाख होगी और वानी मन तो ही नहीं तू कह दी हूँ पढ़ाई ने नहीं छोड़ता पढ़ू जमी मार दो वेर चारों नी मार गए नाल चाल तेरे सदको मार गए नाल चाल किताब अपनी नाल ले ले पई पढ़ते रहो दो दो हाथ पढ़िया चार चार हाथ पढ़िया तो पढ़ते रहो सदको तेरों ला गई गल ना अपना जहन में रखिए कर समझिया कर बाप तेरो बुजुर्ग हो वह ना हो काम कर सके ना टोर सके ना चल सके ना पत्थर कप सके अजी जैसे गल देता ना कहता जी नहीं तो अग माल नहीं रखते तो हम बेच सटेंगे हूँ बेच छुड़ूंगा मेरे दे दे ना हो मेरे तो माल चारे जाना डाली कपे जाना पत्थर कपे जा आखिरी हमें तेरे ही बुर दिया हमने छोड़ना ही पड़ेगा माल मवेशी को काम रुबानी भी नस गयो अब मेरा दिल खुश हो गया चलो अल्लाह पाक रहम करे और करम फरमा क्या बोला रे जो दुकान कटे रे वो क्या बेटा रे तू दड़ा कट ब्रांड में की मिलाई है ना बाहर कटो बाहर भी डाली ओ आया तेरे भी दड़ा ना ठे खा के मुका के लोगों का फसल चाहे तेरा बाप को यो जंगल तू बुजुर्ग है ऐसा काम क्यों कियो तेरा बाप को जंगल है यो तेरा उमू देखूंगा धान में पेट लाई भी तेरा बाप को जंगल है धान के रोक के आज पोसड़ी का मु सारी जमीन में थोड़ा बैठो आ ना तो मेरा गुड़ा तेरा बोलो ना आज ही मौला ना रखू आज ही ठहर जा रखूंगा तेरी ना नाले फसल चार है नाले गार कटे ते फसल दे बनायो महाराज जंगल में भूत मेरा ने जंगल में तेरा मुंडा लगा और मारिया ने उड़ार ला मेरे दाना और मारिया मुझसे मोहम बिरा मैं मुस्तफा पर जामरा की के हालत की लड़ाई क्यों करे यो माल घा करे तो मारा जंगल दे गुजर कुत्तो ही कुत्ता गुजर जंगल नहीं मारे दादी ने यार अंगा याद कर तना नहीं मैं उनको बनाऊंगा और कान का बे ढीली जोड़ कर मां और ढीली जोड़ रहा इसकी मालकी ना हूं कटू इसकी मालकी का बेचा दे और जा सुनता बना निकाल का देता है चुगुन चुगुन नहीं पता भले मार बच्चा को मरा ना अगे चल बच्चा बचार मां अगे चल बचार की बेटे मां अग्नि ना मार अग्नि ना अगे 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 होर अगे होर अगे होर अगे
चल आना खोल तू ना ही तो चल लगा तू पिछ मोड़ उंगल चल उंगल चल कर देना इंगे दिखा हो गए ना अपना थाली पहल हो लिया नप कर लो नप थोड़ो कर हेटना मैंने थाली हेलो सलाम अलैकुम खैर शुक्र है ठीक ठाक है क्या हाल है निकी बच्ची है वो बाल है हाँ मैं तू निकी लो हाँ निकल आया परसों आया आऊँगा हमने माल नहीं मिट दो रे गड्डी में दो गड्डी लगे हाँ के कराए हो अल्लाह देर 20,000 वो चाड़ी हो रे जड़ो कोई इंसाफ कर खुदा का बंदा ओ ठीक है फिर कल शाम ना आज ही ना आन दे शाम ना सलाह करके फोन करूँगा
19,000 का नुकसान हो गया गाड़ी लदने में हमारा, हमें क्या फ़ायदा आया गाड़ी लदने में? हमने अपने दिमाग में ये सोचा था कि हम माल भरे गाड़ी में और हिफाजत से ले जाएं और आराम से चले गाड़ी में माल, तो 19,000 का नुकसान हो गया और 18,000 हमें गाड़ी वाले को देना पड़ा, हमें क्या फ़ायदा आया?
हेलो सलाम अलैकुम, क्या हाल है बाबा? ठीक है से? ठीक है और ठीक ठाक है अम्मा? ठीक है ना, भेड़ बकरी भी ठीक है, सारा कोई ठीक है? ठीक बाबा, तुम दुनिया
मेरा एग्जाम है ना, हूँ एग्जाम दे के वापस आ जाऊंगा दे, फिर तुम चल जाइ दे। मैं चलना एग्जाम दे, 5-7 दिन लग जाएगा दे। अमा दे तो दुनिया उठी रो ली गई, तुम इतने रही दे, हूँ एग्जाम दे के वापस आ जाऊ दे, फिर तन हूँ वापस आई तो फिर उन भी कटनी, उन भी बेड शेड कतरंगा दे, उन भी चलनी। अच्छा वैसे खुदा वाले सलाम। ठंड सर्दी कितनी है आज, आज मुसीबत की सर्दी है। हूँ पूरी बरिया रही हूँ, ठंड नहीं लगी, तो हमने एक दिन बुला की लगे ना बकरी कई इंगा चल जा, कोई बेड़ेगा देखे ही नहीं जाता किताब का कई अजड़ी रख नौकर रखूँ। हाँ नमोर लिया असल, उसके बाद वो नौकर लेंगे बकरियों के नाल नौकर लाऊंगा। तो दसवीं का नंबर ले असल असल पढ़ाई कर, वानी दा अगर वानी फिर नौकर की तू आएगा, फिर अपना माल न चार, अपना माल के पीछे पीछे चल। आने वाली नस्ल जो है ये काम नहीं कर सकती। पहले तो मिलिटेंसी ने तबाह कर दिया, उसी वजह से घबरा हो गया, तो वो बच्चे जो है उनका दिल ख़त्म हो गया, इस वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया।
का माफी या अल्लाह। बकरी चारनी मेरा बस की बात नहीं, गलती मेरी नहीं, आज वो जमानों ही ऐसा मुश्किल है। बकरवालों के वास्ते जंगला में सरकार ने तार लगाई है और रास्ता में जमींदार तंग करे। बाबा के वास्ते बकरी चारनी पेगी क्योंकि वे कह जी हूँ उनकी आखिरी उम्मीद हूँ, लेकिन मना नहीं लगतो जी हम बकरवालों का पेशा ज़्यादा देर तक रह सकेगा।